सीएम की लड़ाई को लेकर अभी तक हरियाणा कांग्रेस में ही घमासान मचा है, लेकिन अब ये चिंगारी भाजपा में भी सुलग उठी है। आप सोच रहे होंगे कि भाजपा में तो नायब सैनी घोषित सीएम चेहरा है, तो फिर लड़ाई किस बात की। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। गुरुग्राम से सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह अब भाजपा को इशारों इशारों में बहुत कुछ कहने लगे हैं। राव साहब के सीएम बनने की लड़ाई पर जाएंगे, मगर उससे पहले एक नजर अहिरवाल में भाजपा के टिकट बंटवारे पर डालते हैं। यादव बहुल्य 11 सीटों वाले इस क्षेत्र में राव इंद्रजीत सिंह के हिस्से इस बार 8 टिकटें आ चुकी हैं, जिनमें गुड़गांव जिले की गुरुग्राम और पटौदी और सोहना शामिल है, तो वहीं रेवाड़ी जिले की रेवाड़ी, कोसली और बावल सीट है। इसके अलावा महेंद्रगढ़ से अटेली और नारनौल भी राव के खाते में गई है। इस टिकट वितरण में राव इंद्रजीत सिंह के दबदबे का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कोसली, बावल और पटौदी, इन तीनों सीटों पर राव इंद्रजीत सिंह और पूर्व सीएम खट्टर में ठन गई थी, लेकिन अंत में बाजी राव इंद्रजीत सिंह के हाथ लगी। हालांकि अभी महेंद्रगढ़ सीट पर बीजेपी उम्मीदवार का ऐलान होना बाकी है, लेकिन कयास यही लगाए जा रहे हैं कि यहां बीजेपी रामविलास को रिपीट कर सकती है और राव इंद्रजीत सिंह भी उनके पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि इस बार भाजपा ने अपनी कमजोर स्थिति को देखते हुए राव इंद्रजीत सिंह के सामने सरेंडर किया और उनके कहने से अब तक 8 टिकटें पार्टी बांट चुकी है। राव केवल अपने दो राजनीतिक दुश्मनों को नहीं निपटा पाए और वो है बादशाहपुर से राव नरबीर सिंह और नांगल चौधरी से डॉक्टर अभय सिंह यादव। सियासी जानकारों की माने तो इस बार राव इंद्रजीत सिंह बेहद सोची समझी रणनीति के तहत काम कर रहे हैं। उनकी पहली कोशिश तो यही थी कि वो अपने ज्यादा से ज्यादा समर्थकों को टिकट दिलाएं, जिसमें वो सफल हो चुके हैं, और अब उनकी दूसरी रणनीति ये हो सकती है कि इन विधायकों के समर्थन से वो सीएम की कुर्सी पर दावेदारी ठोके। अंत में अब आपको सुनाते हैं कि आज जब वो अपनी बेटी आरती राव का नामांकन भरवाने आए तो फिर से एक बार किस कदर सीएम की कुर्सी को लेकर अपना दावा ठोक गए। देखो, हमारा प्रभाव ज्यादातर दक्षिणी हरियाणा के अंदर है और गुड़गांव से लेकर के नांगल चौधरी तक हम उम्मीद कर रहे हैं कि सारी की सारी सीट जनता भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेगी। अच्छा, आपकी आपकी बार ज्यादातर सीटों के ऊपर आपके कैंडिडेट मिले हैं आपको, तो आप दक्षिण हरियाणा से लगता है कि अब की बार कहीं ना कहीं चौधर की जो लड़ाई थी वो पूर्ण करवा पाएंगे? देखो, पार्टी ने मेरी सीट या किसी और की सीट के नाते टिकट नहीं दिए हैं। सर्वे होते हैं और सर्वे के आधार के ऊपर जो सबसे सर्वप्रिय कैंडिडेट नजर आता है उसको टिकट मुहैया करती है। तो मैं समझता हूँ कि ये सौभाग्य है कि जो लोग मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल हुए थे तो सर्वे के अंदर उनका नाम सबसे अव्वल आया और उनको टिकट मिल गई। आरती राव को टिकट मिली, आज नॉमिनेशन किया है, किस तरह से चुनाव की प्रक्रिया रहेगी, आप क्या कह रहे हैं? चुनाव तो जनता लड़ेगी, हमने तो अपना टिकट दिलवाने का काम कर दिया, अब जनता चुनाव लड़ेगी। सर, अहिरवाल की जनता आपको सीएम देना चाहती है, इसके बारे में क्या? देखो, ये अहिरवाल की जनता का कई सालों से सपना है, लेकिन 10 साल पहले जब मैं भारतीय जनता पार्टी के अपने साथियों के साथ शामिल हुआ था तो उस टाइम तक कई लोग पार्टी के अंदर मुझे बाहर का एक व्यक्ति माना करते थे। मैं समझता हूँ जो मैंने और मेरी बेटी ने 10 साल मशक्कत करी है पार्टी के लिए, तो हमारे को शीर्ष नेतृत्व ने आज के दिन स्वीकार कर लिया। सर, नाराजगी जो है और प्रत्याशी थे उनकी कहीं ना कहीं नाराजगी भी नजर आती है, उसको किस तरह से खत्म कर पाएंगे नाराजगी जो है? देखो, हम तो प्रयास ही कर सकते हैं, लेकिन फैसला तो जो इंडिविजुअल होता है वो मन से अपनी वोट देता है। तो हम तो नाराजगी के लिए सभी से कहेंगे कि हमारा साथ दो, एक बार तीसरी बार हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओ, और इस बार जब दो बार आप लोगों ने सरकार बनाने के अंदर पूरा योगदान दिया था तो क्या पता इस बार आपके योगदान के साथ हमारा जो आशाएं हैं, पब्लिक की आशाएं हैं, वो भी पूरी हो जाए।